तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं अपने नए मेहमानों से अनुरोध कर रहा हूं, वहां नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, कृपया आप उसे दबा के ब्राउन कर दीजिएगा। ठीक है, तो कल के लिए देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट सूचना। और कल 9 से 10 के बीच में मैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करूंगा, तो आप आके उसे देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की वैकेंसी किसके बारे में है। तो वैकेंसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप इसका मुझे आंसर बताइए। व्हाट इज द साइज ऑफ न्यू RS 500 बैंक नोट्स? सो यू हैव टू टेल मी द एग्जैक्ट साइज ऑफ द 500 बैंक नोट। सो चार ऑप्शन आपको दिया है, तो इसमें से मेरे को बताना है कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं आज की वैकेंसी किसके बारे में है। तो आज की वैकेंसी NLC इंडिया लिमिटेड कंपनी है, और जो कि एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, जो कि एक नौरत्ना कंपनी है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर ही आता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या वैकेंसी है, आज क्या निकला है इसमें। देखिए पहली बता रहा हूँ, एज ए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपका प्रोग्राम है, जिसमें बीटेक एंड डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं। देखिए सॉरी, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे देख लीजिए ए नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं, मतलब इतने इतने सीट खाली हैं। ये जो पहला बता रहा हूँ मैं, TAT टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ए डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। और सेकेंड वन है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एज ए स्टाइपेंड मिलेगा डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को 3,542 रुपये पर मंथ, एंड आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मिलेगा आपको 4,984 रुपये। आई नो ये एज ए स्टाइपेंड बहुत कम है, बट अगर आपके पास ट्रेनिंग रहेगा, आजकल किसी भी कोई कंपनी में जाते हैं तो एज ए आपको वो लोग देखते हैं आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप यहाँ से ट्रेनिंग कर लीजिए। जो इवेन आप जिस कंपनी में जाएंगे वहाँ पर एज ए आप पूछते ही हैं कि मतलब कैसे आपने इंटर्नशिप किया है कि नहीं। कोई बंदा आजकल मतलब फ्रेशर को हायर नहीं करना चाहता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो बहुत काम आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, करना चाहिएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो मत करिएगा। बट मेरा काम है बताना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये पैसे मत देखिए, आजकल लोग तो सोचते हैं कि कोई भी कंपनी मुझसे पैसे ले ले, जबकि कुछ ट्रेनिंग के वो देते हैं, ट्रेनिंग मुझसे करवा ले। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप किसी भी आगे कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पर काम आएगा। तो चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं इतना इरिस्पेक्टिव आप कितने कितने वैकेंसी हैं, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो और चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो देखिए इसमें अगर आपके पास, आपने अगर NLC से पहले ट्रेनिंग किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं नहीं। अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, या अगर कहीं आप जॉब करते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वही इसमें सिर्फ ओनली फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, इस सबसे अच्छी बात यह है, अगर मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में आपके इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में आपके परसेंटेज अच्छे खासे हैं, तो आपके हाईली चांस है कि आप यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो भी इनका मेरिट बनेगा आपके परसेंटेज बेसिस पे बनेगा। अब जितना जैसे आपका परसेंटेज रहेगा उस हिसाब से आपकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है सेलेक्ट होने के लिए। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मेंशन है, अगर मान लीजिए दो कैंडिडेट के परसेंटेज सेम हो गए तो उसमें उस कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जो सीनियर होगा, ठीक है। यहाँ इसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इन द केस ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट स्कोरिंग द सेम परसेंटेज ऑफ मार्क एट द कट ऑफ लेवल, द सीनियर मोस्ट कैंडिडेट वुड बी कंसिडर एज सेलेक्टेड। तो यहाँ मतलब अगर आप दो, मान लीजिए दो, कोई दो कैंडिडेट हैं और दोनों के मार्क्स सेम आ गए या परसेंटेज सेम आ गए, तो सीनियर वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, और बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और देख लेते हैं लास्ट डेट कब है। देखिए अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, आप 16/10/2018 से जाइएगा, ठीक है। आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर
कर दीजिएगा। तो पहले देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, www.nlcindia.com, यहाँ पे जाना है। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चले जाइएगा, ठीक है। ये 16/10/2018 से स्टार्ट होगा और आपको 25/10/2018 रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होगा, ठीक है। इसके पहले आपका ये लास्ट डेट होगा। और देखिए फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखिए, आपको एक प्रिंट आउट निकालना है इसका, एंड द प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। आप वहाँ पर जाइएगा, फॉर्म फिलअप करिएगा, उसका प्रिंट आउट निकालिएगा और यहाँ पे आपको सेंड करना है। द जनरल मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर NLC इंडिया लिमिटेड, ब्लॉक 20, नेवेली, ठीक है, 607803, यहाँ पे भेजना। अब देखिए जो भी आप भेजिएगा आपको 30/10/2018 से पहले पहुँच जाना चाहिए, ये नहीं कि आप मान लीजिए 24 को भेजें ऐसे जगह से जो आपकी 30 तक पहुँचा ही नहीं, अभी बाद में कहिए हम तो 24 25 को से पहले किए थे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले ही जाके कर लीजिएगा, आप लोग पहले दिन ही जाके कर लीजिएगा वो आप ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो और देख लेते हैं, मतलब इस डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या क्या भेजना है। अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप ये भेज दीजिएगा, ठीक है। और देखिए अब सेमेस्टर वाइज मार्क लिस्ट, अब डिग्री या डिप्लोमा, हाँ एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो लोग फाइनल ईयर में है उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है, पहले सुन लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए SC ST OBC बिलोंग करते हैं किसी कैटेगरी के तो वो भेजना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर PWD के हैं तो अब ये भेजना है। और देखिए 30/10/2018 से पहले आपको भेजना है और इसके कोई भी चार्जेज नहीं है, ये पूरा फ्री आप कॉस्ट है, कोई भी चार्जेज नहीं हो रहा है ट्रेनिंग के। तो देखिए शायद मैं सब कुछ बता दिया हूँ, कुछ बाकी नहीं है। हाँ और एक चीज़ यहाँ पे देखिए साफ से साफ सॉरी साफ साफ ही मेंशन है कि मतलब जो भी कुछ होगा आप इनके वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करते रहिएगा। और एक कब अपलोड करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट, इनके वेबसाइट पे करिएगा। शायद यहाँ कहीं लिखा था कि आपको 1/1/2019 को शायद ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, अभी मैं यहीं कहीं देखा था कि एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा था द टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी 4/1/2019, तो मतलब अगर आपका हो गया तो 4/1/2019 के पहले आपका ये ज्वाइनिंग हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और लिखा है, द तो लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विल बी डिस्प्ले एंड वेबसाइट टेंटेटिवली ऑन 15/11/2018, ठीक है। 15/11/2018 को मतलब किसको किसको मतलब वेरिफिकेशन कराना है, इनके वेबसाइट पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा था सारे लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टेंटेटिवली 21/11/2018 टू 24/11/2018, इसके बीच में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो कैंडिडेट सॉलिस्टेड हुए हैं इनके वेबसाइट पे 15/11/2018 को डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, और 21/11/2018 से 24/11/2018 के बीच आपको ये बुलाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए वैसे ये तो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एक कंपनी तमिलनाडु की है, मतलब ये तो अभी देखिए कुछ मेंशन नहीं है, मतलब ये आपको मतलब कहाँ पे बुलाएंगे, बैंगलोर बुलाएंगे कि तमिलनाडु बुलाएंगे। तो मेरे हिसाब से जहाँ मैं लग रहा है आपके मतलब तमिलनाडु में ही बुलाया जाएगा, तो बस यही बस बताना था। यहाँ पे मैं चेन्नई में भी हो सकता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन्नई तमिलनाडु में हो सकता है आपकी जॉब लोकेशन, तमिलनाडु में ही होगा जॉब लोकेशन, इससे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सब कुछ बता दिया हूँ, जो भी कुछ पूछना होगा पूछ लीजिएगा, बट जो भी पूछेगा जेन्युइन होना चाहिए, जो कि मैं ऐसा चीज़ पूछिएगा कि जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, जो चीज़ मैं बता दिया हूँ तो फिर आप उसको पूछते हैं तो मैं उसको भी बार बार मेरे को PDF खुद देखना पड़ता है मैं क्या बताया। मैं इतने वैकेंसी रोज करते रहता हूँ मैं भूल जाता हूँ एग्जैक्ट डेट क्या है। तो आप पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पूरा देख लें तभी कोई जेन्युइन कोई कोई पूछें, ठीक है। चलिए ठीक है, तब तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से 9 से 10 के बीच में इसी चैनल पे। ओके बाय, टेक केयर।